है, राम जी को राज तिलक हो रहा है, सुबेरे देखो सुबेरे राज तिलक हो रहा है। आप कह रहे हो वनवास हो गया, क्यों हो गया? आप किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्यों हुआ। जैसे ही उनका राज तिलक, सुबेरे का अनाउंसमेंट था कि कल सुबह इनको राज तिलक होगा, देवताओं की आपात मीटिंग हुई। देवता ने बोला, ओ तेरी, ये तो कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, ये तो अब राजपाट संभालेंगे तो रावण मारेगा कौन। मीटिंग हुई, आप किताब पढ़िए, सरस्वती जी को बुलाया गया कि माता आज की रात है, बस आज की रात है जिंदगी, कल तो खेल बिगड़ जाएगा। मां ने बोला क्या करूं, बोला मंथरा की बुद्धि फेर दे, जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामाखा बदनाम हुई, सरस्वती आई मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई, और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे, और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। कुदरत इम्तिहान ले रही है आपका, जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी दोस्तों कीमत तो देनी पड़ेगी।